दोस्तों इनबिसन न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत इनबिसन की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 27 और 28 जनवरी को होगी। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार, 6 महिलाएं भी हुई शामिल। नेपाल प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले यूपी के 4 युवकों के परिवारों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए, सीएम योगी का ऐलान। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला न्यूसील रेडान का 118 साल की उम्र में निधन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से 5 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली संसद खेल महाकुंभ का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण कई फ्लाइटें हुई लेट। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के 4 विधायकों को मार्शल आउट किया गया। छत्तीसगढ़ में तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही बस जसपुर में पलटी, कई यात्री गंभीर रूप से घायल। और बिहार में जातिगत जनगणना के फैसले पर रोक लगाने की मांग, हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका।